COVID-19 in Unani medicine, a series of awareness activities. इस प्रोग्राम के तहत हम लोग COVID-19 से रिलेटेड दो मेजर एक्टिविटी करते हैं. पहली एक्टिविटी हमारी ये होती है कि यहाँ गवर्नमेंट तबी कॉलेज पटना जहाँ हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे ओपीडी प्रेमिसेस में जो हमारे पास अटेंडेंट आते हैं, एक पेशेंट आता है जो खुद हमारे हेल्थ वर्कर हैं, उन सबके बीच में एक अच्छी ह्यूज पोस्ट कोविड भी अच्छी हमारी ओपीडी रहती है, 400 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह डेली का. तो उसके बीच में अवेयरनेस लेक्चर होता है जिसमें हम लगातार कोविड रिलेटेड जो थर्ड वेव से गुजर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस हो सकता है, जिस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज के मैक्सिमम फैलाव को रोकने के लिए, तो क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम लोग एक लेक्चर करते हैं जो रेगुलर मंडे और थर्सडे को होता है. दूसरा जो इसका जो दूसरा जो सबसे अहम पार्ट है उस पार्ट में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरे इंडिया में यूनानी मेडिसिन जहाँ भी प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे कोविड से रिलेटेड लोगों ने जो पूरे ये शुरू से लेके जब से फर्स्ट वेव आई और अब तक जो भी काविशें हुई हैं, जो भी अप्रोच उन्होंने लिया है, उन चीजों को हम यहाँ पे उसको इकट्ठा कर रहे हैं. इसमें बहुत सारे लेक्चर्स आए जिसमें हमने कुछ स्टडीज जो लोगों ने पेपर लिखा, कुछ इंसिलिको स्टडीज थी, कुछ रिव्यू पेपर्स थे, रिसर्च पेपर भी आया, तो उन चीजों उनका भी लेक्चर आया. आज का जो सिलसिला है वो एक बहुत अहम इस सिलसिले में है कि जो COVID-19 की जो सेकेंड वेव थी उसमें बहुत मशहूर हुआ था मंसूरा काढ़ा. मंसूरा काढ़ा जो महाराष्ट्र में पहले तो मालेगांव, फिर वहां से आसपास पूरे महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में इसके प्रैक्टिकली बहुत डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ और नेशनल इंटरनेशनल न्यूज भी उसको कवर हुआ, बहुत सारे एस्पेक्ट पे उस पर बात हुई. हालांकि बहुत सारी चीजें हम तक जो आई वो बहुत ऊपर ऊपर की थी, इसलिए कोशिश की गई कि वहीं से कोई जो एक लेक्चर आ जाए. तो डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ तहफुजी व समाजी तिब में, और आप हेड भी हैं उस डिपार्टमेंट के मालेगांव में. मालेगांव में मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज है मालेगांव महाराष्ट्र में, वहां से हैं. तो आज उनका लेक्चर है मंसूरा काढ़ा जोशांदा इन COVID-19. तो इससे कि ताकि हम समझ सकें कि उस दौर में क्या उस काढ़े कैसे उस इतना मशहूर हुआ और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिर उसकी जो भी उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं उसके लिए आज साजिद साहब को जहमत हमने दी है. डॉक्टर साजिद साहब के ऑलमोस्ट 15 रिसर्च पेपर्स हैं और उस पेपर के साथ साथ एक अभी अभी इनकी बहुत एक उमदा बुक आई किताबु तादिया, जो बेहतरीन बुक है. मैं खुद उस बुक को पढ़ चुका हूँ. आप उसके एडिटर, आप ऑथर इन चीफ हैं उस किताब के. इस सिलसिले में हालांकि बहुत टाइमली ये बुक आई है, यूनानी में मुनफरद में है कि इस टॉपिक पे कोई बुक इतनी जामे नहीं आई है. तो हमारे स्पीकर हमारे बीच में है. बाकायदा इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, तौहीद किबरिया साहब यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी में माहितुल अमराज में. आप सुपरिटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के और आपका एक तवील रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है. आप इस कॉलेज में आने से पहले बिहार की एक रिसर्च यूनिट थी उसमें थे, उससे पहले आप CCRM में थे भद्रक उड़ीसा में, हैदराबाद में आप रिसर्च का काम भी अंजाम दे चुके हैं. सर हमारे बीच मौजूद हैं. मैं सर से दरख्वास्त करूंगा कि आज का जो हमारा एक सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, वेबिनार है, इसमें जो हमारे जो आज के स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब और सर उनका खैर मुकदम करें. प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब के आप पे इसमें शामिल हुए और अपने जो है खास तौर से जैसा भी बताया मंसूरा काढ़ा जो है इसके बारे में जो है, चूंकि इस वक्त की एक जरूरत थी और आपने इस पर काम किया, इसके बारे में आप जो है ये करेंगे. मैं समझता हूँ कि इससे और भी जो लोग इस वेबिनार में शामिल हुए इससे फायदा उठाएंगे. मैं आज इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो है मोहम्मद साजिद साहब और जो जितने लोग भी जो है वेबिनार में शामिल है उन लोगों का खैर मकदम करता हूँ. वक्त कमी है इसलिए जो है मैं ये प्रोग्राम. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे जो अभी स्पीकर है उनको वेलकम करने के लिए. तो मैं डायरेक्टली अब
डॉक्टर साजिद साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सर प्राइज इज ओवर टू यू नाउ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शामिल तमाम ही हजरात सलाम अर्ज करता हूँ। डॉक्टर तनवीर साहब की तरफ से हुक्म हुआ था कि मंसूरा काढ़ा और COVID-19 के ताल्लुक से कुछ बातें अगर आप लोगों के सामने ले आएँ, ख़ास तौर से हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो अच्छी बात होगी। उनके हुक्म के मुताबिक मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ और कोशिश करूँगा कि मंसूरा काढ़ा क्यों बना, कैसे बना और उसके क्या फ़वाद हैं COVID-19 के ताल्लुक से, उस पर अपनी बात रख सकूँ। तो देखिए, COVID-19 के ताल्लुक से आप सभी लोगों को मालूम है कि ये एक वायरस है। हम उसकी तारीफ में ये कह सकते हैं कि मुजराए तनफ्फुस का एक तादिया है, जिसका सबब जो है सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 है। बुनियादी तौर पर ये वायरस या ये तादिया फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या अदवा कुतूरिया की वजह से, और दूसरे ये कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से। ये बुनियादी दो रूट हैं, बाकी इसके अलावा बहुत सारे और रूट से भी ये मुंतकिल होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यही दो रूट हैं। अब यहाँ पर मैं COVID-19 को रोक करके मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस या कोरोना डिजीज के ताल्लुक से जो डिस्क्रिप्शन आप आज मौजूद है या आज शेयर किया जा हुआ था, एक हाथ ताद गया जिसका सबब सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 है। बुनियादी तौर पर ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया के जरिए से फैलता है। इसके अलावा सारे दूसरे रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, लेकिन उसका तस्कर यहाँ मेरे ख्याल में सिर्फ तजिए औकात है, इसलिए उसको जाने देते हैं। अब यहाँ से मैं ये असल में चाहता हूँ कि कोरोना या कोविड डिजीज में, COVID-19 में मंसूरा क्यों बना, उसकी ज़रूरत क्या थी और किस तरह से उसने लोगों को फायदा पहुँचाया। तो उससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि कोरोना जो आज COVID-19 हमारे मुल्क में या दुनिया भर में फैला हुआ है, वो असलम है क्या? क्या ये कोई नई बीमारी है या पुरानी ही बीमारी है जिसमें कुछ नई चीजें निकल करके सामने आई? तो अगर हम अपना यूनानी लिटरेचर सर्च करें, हम अपना यूनानी लिटरेचर सर्च करें या पुरानी यूनानी की किताबों को देखें, तो कोरोना के ताल्लुक से जो कुछ आज शेयर किया जा रहा है या आज बताया जा रहा है, वो सारी की तमाम चीज़ें वैसे ही जैसे कि यूनानी किताबों में लिखी हुई वैसे ही आज बताई भी जा रही हैं। यानी हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि कोरोना कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ उस बीमारी का ताल्लुक बहुत पहले से चला आ रहा है, पहले से आ रहा है। मैंने जितना भी पढ़ा है लिटरेचर कोरोना के बारे में, मुझे कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसके बारे में मैं ये कह सकूँ कि इसका तस्करा जो है यूनानी की किताबों में नहीं है, सिवाय इसके कि इस मर्ज को जिसको हम COVID-19 कहते हैं, इसका सब कोरोना वायरस है टाइप 2, कोरोना वायरस टाइप 2 ये इसका जो है खास सबब है। दूसरी कि इस ताल्लुक से कुछ डायग्नोसिस से मुतालिक नई चीजें सामने आई, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज नई सामने आई है जो हमारे पास पहले से मौजूद नहीं थी। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे आप दूसरी स्लाइड देखिए, नज़ला और ज़ुकाम। नज़ला और ज़ुकाम के नाम से यूनानी तिब में ढेर सारा लिटरेचर मौजूद है, यानी कि अगर आप बोलेंगे तो उनमें ये चीज़ मिल जाएगी आपको। नज़ला और ज़ुकाम क्या है? फजलाते दिमागी के इंसबाब का नाम नज़ला और ज़ुकाम है, यानी जो फजलात हमारे दिमाग में रहते हैं वो वहाँ से निकल करके खारिज होने लगे या किसी दूसरे उस गिरने लगे, तो उसको नज़ला या ज़ुकाम जो है कहा जाता है। दोनों मुश्तरक हैं क्योंकि दोनों का मबदा इल्लत एक है, यानी दिमाग से जो फजलात निकल रहे हैं, दिमाग चूंकि एक ही जगह है जहां से वो निकल रहे हैं, इसलिए नज़ला और जुकाम दोनों को कहा जाता है। लेकिन बाद में अतिबा ने या कुछ अतिबा ने नज़ला और जुकाम को अलग अलग डिफाइन किया कि जब दिमागी फजलात जो है बराह नाक खारिज हों उनको हम जुकाम कहेंगे, यानी फजलाते दिमागी या नाक के रास्ते अगर निकल रहे हों, खारिज हो रहे हों, तो वो जुकाम कहलाएंगे। और अगर वही फुजलाते दिमागिया उनका इंसबाब हलक पर हो, हलक के जरिए वो पहुंच जाए मैदे में या फिर पहुंच जाए रिया में, तो उसको हम बोलेंगे नज़ला, तो उसको हम बोलेंगे नज़ला। ये इसकी डिफिनेशन है। इस ताल्लुक से अगर आप देखें तो हमारी किताबों में ढेर सारी चीजें ये मौजूद हैं,
ठीक है, पहले से मौजूद है, और नाक के रास्ते ये निकलता है या फिर हलक पर नाजिल होकर के या इंसिबाब होकर के ये रिया में पहुंचता है या मरी में पहुंचता है या मरी के रास्ते जो है मेदे में पहुंचता है, तो फुदलाते दिमागिया जो तेज होते हैं, हार होते हैं या तुर्श होते हैं, तो उसकी वजह से ये आजा जो है अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब अफेक्ट होते हैं तो वही कैफियत पैदा होती है जिसको हम नजला और जुकाम कहते हैं। ठीक है, कोरोना को लीजिए तो कोरोना में आमतौर पर, COVID-19 में आमतौर पर देखा यह गया है कि जो लोग अफेक्ट होते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं उनका तकरीबन 1/3 उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जिनमें कोई नोटिसेबल नहीं पाए जाते बिल्कुल भी। ठीक है, जिन लोगों में एनो सिम्टम्स पाए जाते हैं उनमें तकरीबन 81% ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर मैनिफेस्टेशन नहीं होता, जिनमें ये जो है वो शदीद नहीं होता है। 5% सिर्फ ऐसे रहते हैं या ऐसे होते हैं जिन लोगों में ये मर्ज शदीद तरीन होता है। ठीक है, अगर कुल को हम मिला दें और अलामत और निशानियों को देखें तो कोरोना के मैक्सिमम लोगों में जो अलामत और निशानियां पाई जाती हैं, अलामत और निशानियां पाई जाती हैं उनमें ये 6 चीजें बहुत कॉमन है। 1 फीवर, 2 कफ, 3 हेडेक, 4 फटीग, 5 लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो कुछ लोगों में ये दोनों कॉमन है और कुछ लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट होता है या कुछ में लॉस ऑफ स्मेल। कॉमन सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर कोरोना के मरीजों में, उन मरीजों में जिसमें अलामत और निशानियां पाई जाती हैं उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। अब इसके बरक्स देखिए, नजला और जुकाम में कोई भी किताब आप उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, ये जो 6 कॉमन सिम्टम्स आपको मैंने बताए हैं वो 6 के 6 आपको मिलेंगे पुरानी किताबों में नजला के मर्ज में। मिसाल के तौर पर पहला है फीवर, यहाँ पर हुम्मा मिलेगा, सारी किताबों में लिखा हुआ है हुम्मा मिलेगा। कफ है, इधर सवाल या खांसी लिखा हुआ मिलेगा कि जब नजला होता है तो उसमें खांसी या सवाल का पाया जाना आमतौर पर उमूमन होता है। इसी के साथ साथ दर्दे सर या सुदा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वहां पर हेडेक है, यहाँ पर सुदा है, दोनों चीजें कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से जब भी कोई वर्मी कैफियत पैदा होती है जिसमें, तो जिस्म में नकाहत पैदा होती है, ये भी किताबों में आपको आमतौर पर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक खास चीज जो कोविड-19 के ताल्लुक से कहा जाता है और कहा यह जाता है कि ये तकरीबन जिन लोगों में साइन ऑफ सिम्स पाए जाते हैं उनमें तकरीबन 88% लोगों में लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट पाया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से किताबों में, यूनानी किताबों में नजला के ताल्लुक से ये बात बहुत ही वाज़े लफ्जों में लिखी हुई है कि जब ये मर्ज होता है और इसका इंसिबाब नाक की तरफ होता है, यानी जब फुजलाते दिमागिया का इखराज नाक के जरिया होता है या बैरूने चेहरा होता है, ठीक है, उसमें जो है अक्सर जो है हिस्से शम वो बातिल हो जाती है, यानी सूंघने की जो हिस है वो बातिल हो जाती है। सेम वही बात लिखी हुई है जो आज कोविड-19 में ज्यादातर मरीजों में शिकायत मिली है या अलामत या निशानी के तौर पर मिली हुई है, और वो चीज बिल्कुल उसी मैनर में लिखी हुई है कि जब कभी, मैं पढ़ के भी सुना दूं, और जब कभी मादा जो है नहायत रकीक होता है और मुतवातिर और पैहम नाक के जरिया से खारिज होता है तो अक्सर हिस्से को बातिल कर देता है। ठीक है, तो नाक के जरिए से अगर निकल रहा है तो हिस्से नाक में जो हिस रखी गई है कुवत है वो जो बातिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर उसका इंसिबाब नाक की तरफ ना होकर के हलक की तरफ हो जाए, नाक की तरफ ना होकर के हलक की तरफ हो जाए, तो हलक में ये जुबान की जड़ है आमतौर पर वहां पर मुस्तकिल गिरने की वजह से हम ये बात समझ सकते हैं, जिस तरह से ये हिस्से को बातिल कर देता है उसी तरह से हिस्से जायका को भी मुतासर करता है। लेकिन आमतौर पर किताबों में इसका तस्करा यूं नहीं होगा या करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आमतौर पर जब वर्मी कैफियत खासतौर से ऊपरी हिस्से में जब होती है तो जुबान उससे मुतासिर होती है, और वाजह तौर पर ये कि इससे जो है टेस्ट जो है वो लॉस ऑफ टेस्ट या टेस्ट जो है वो जाय हो गया है, ये आमतौर पर किताबों में नहीं आ पाया।
लेकिन उन्होंने ये चीज तो बड़े वाजे लफ्जों में लिखी है कि हिस्टेशम बातिल हो जाती है, और उसके बातिल होने का जरिया ये है कि फजलाते दिमागिया जो है वो नाक के रास्ते जब पैहम खारिज होते हैं तो उससे हिस्टेशम हिस्टेशम जो है वो बातिल हो जाती है। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब पैहम और मुतबातिर फजलाते दिमागिया हलक पर इंसिबात करते हैं तो जुबान की जड़ों में मौजूद जो है आसाब है उनको मुतासिर करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है, ऐसा बहुत सारी बीमारियों में देखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आमतौर पर जो कोरोना में और जो दूसरे सिम्टम्स पाए जाते हैं वो कंजेशन है, ठीक है, नाक बहना या खुशूनत हलक और इसहाल, ठीक है, ये जैसी अलामत आमतौर पर कोरोना के मरीजों में पाई गई हैं। ठीक है, यही ये सारी चीजें नजला और जुकाम के मरीजों में पाई जाती हैं, पाई जाती थी, पाई जाती हैं और पाई जाती रहेंगी। इसमें कोई भी नई चीज हमारे सामने निकल करके नहीं आई। अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों से मैं ये समझता हूं कि ये बात वाजे है कि COVID-19 जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक पुरानी बीमारी है जिसमें कुछ नई चीजें दरियाफ्त हुई हैं, या ये कह लीजिए कि वो पुरानी बीमारी है जो बड़ी वबा के तौर पर जो है इस वक्त जो है पूरी दुनिया को अपनी चपेट में या लपेट में लिए हुए है। कुछ और चीजें अपने सबूत के तौर पर कि COVID-19 कोई अलग मर्ज नहीं है बल्कि वो नजला और जुकाम ही है, या नजला की एक खास किस्म है हैं और जिसका सबब जो है वो हार होता है। अभी इसबाब का जब तस्करा होगा तो मैं इंशाल्लाह वहां पर बताऊंगा। मैं फिर से अपनी बात को थोड़ा और दलदल करना चाहूंगा। कोरोना COVID-19 के ताल्लुक से टोटल जो केसेस हैं उनके साइन और सिम्टम्स की बुनियाद पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सादे लफ्जों में अगर हम कहें कि अलामत और निशानियों को जो कि मरीजों में मिली हैं उस बुनियाद पर हम अलामत और निशानियों को तीन कैटेगरी में रखते हैं, या ये कह लीजिए कि अलामत और निशानियों की बुनियाद पर मरीजों को हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो थ्री कॉमन क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स हैं। ठीक है, कभी तो ये अलहदा अलहदा लोगों में मिले हैं, कभी इनमें से दो और कभी तीनों एक साथ किसी एक में भी मिल सकते हैं, या बहुतेरे ऐसे केसेस थे जिनमें इन तीनों तरह की अलामत और निशानियां मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनमें तीनों तरह की ना मिलकर के किसी एक तरह की ही या एक ग्रुप की अलामत और निशानियां मिली, या किसी दूसरी ग्रुप की भी अलामत निशानियां पहले वाले ग्रुप के साथ थी, या फिर कभी ऐसा हुआ कि तीनों एक साथ मौजूद थी। ठीक है, अब आप यहां देखें कि पहला ग्रुप है रेस्पायरेटरी सिस्टम का, रेस्पायरेटरी सिम्टम्स का। ठीक है, तो जब आमतौर पर फुजलाहिया जो है वो नाक के रास्ते ना बह करके हलक के जरिया वो रिया में पहुंचती है या फेफड़ों में पहुंचती है तो ये सिम्टम्स आमतौर पर वाजे होते हैं नजला, यानी नजलाबी रुतुबात जिनका मबदा दे है जब वहां से फुजलात बह करके हलक के रास्ते फिर वो चले जाते हैं रिया में फेफड़ों में, यानी हलक पर उनका इंसबाब होता है और फिर वहां से वो फेफड़े का रास्ता पकड़ करके उस बतुर रिया का रास्ता पकड़ करके पहुंच जाते हैं फेफड़े में, तो फेफड़े को मुतासिर करते हैं। फेफड़ा जब मुतासिर होता है तो जो चीजें यहाँ पर स्लाइड में आप देखें कॉमन स्प्यूटम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फीवर, ये चीजें आमतौर पर कोविड के पेशेंट्स में मिली हैं। जो रेस्पायरेटरी सिम्टम्स थे या क्लस्टर ऑफ रेस्पायरेटरी सिम्टम्स हैं उसमें ये चीजें कॉमन है, कफ स्प्यूटम या कफ विद स्प्यूटम, कफ विदाउट स्प्यूटम, विद स्प्यूटम दोनों तरह के प्रेजेंटेशन मिले हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फीवर। तो यहां पर ये कहा गया है कि जब कभी भी नलावी रुतुबात दिमाग से निकल करके या जब दिमागी रुतुबात में सैलान होता है वहां से निकल करके हलक के रास्ते या हलक इंसबाब होता है और फिर वहां से वो जो है रिया तक या फेफड़ों तक पहुंचती हैं तो उमूमन ये सिम्टम्स जाहिर होते हैं। नजला और जुकाम के ताल्लुक से ये चीजें तो बहुत ही कॉमन, ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि जब नजला होगा तो आमतौर पर हमारा जो फेफड़ा है वही मुतासिर होता है, क्योंकि नजलाबी रुतुबात आमतौर पर नाक के बजाय हलक के रास्ते वहां तक पहुंच जाया करती है। ठीक है, तो कफ और बलगम, और फिर जब यही बलगम जो फेफड़ों में नजलाबी रुतुबात के पहुंचने की वजह से जमा होता है और पूरी तरह से वो निकल जाता
तो वो हवाई नालियों को बंद करके उसरे तनफुस का करता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रेथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सेम चीज जो है वो कोरोना में होती है, यानी कोरोना के वो पेशेंट जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट था उसमें कॉमनली यही चीजें देखने को मिली, कफ विदाउट स्प्यूटम और विद स्प्यूटम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फीवर। फीवर तो ये कॉमन है भाई, वर्मी कैफियत, खासतौर से अगर नजला रुतुबा हार है, अभी जब मैं असबाब पढ़ूंगा तो उसमें बताऊंगा कि वर्मे हार है और आमतौर पर ये हार खिल्ट की वजह से पैदा होता है और हार असबाब की वजह से पैदा होता है, तो वहां ये चीजें और ज्यादा थोड़ा क्लियर होंगी। दूसरा है क्लस्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वो अलामत और निशानियां जो मरीजों में दिखी, कोरोना के पेशेंट में जो दिखी और उनका ताल्लुक आमतौर पर एलिमेंट्री सिस्टम से था, उस क्या क्या मिला, देखिए एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड डायरिया। पुरानी कोई भी किताब आप खोल लीजिए, ठीक है, पुरानी किसी भी किताब में जब आप खोलेंगे और नजला को पढ़ेंगे तो ये सारे सिम्टम्स वहां पर दिए हुए हैं नजला के ताल्लुक से, नजला भी रुतुबात के ताल्लुक से ये बातें उसमें लिखी हुई हैं कि गाहे नजलावी रुतुबात रास्ते मरी, यानी ओसोफेगस के रास्ते मैदा पर इंसिबाब करती हैं, और जब ये इंसिबाब करती है मैदा पर और खासतौर से उस वक्त जबकि ये शोर और तुर्स हो, तो ऐसी सिचुएशन में दर्द मैदा पैदा करती हैं। यहां पर देखिए एब्डोमिनल पेन लिखा हुआ है, वहां पर दर्द मैदा, बिल्कुल सेम दर्द मैदा पैदा करती हैं। उसी के साथ साथ सहज यानी आंतों, मैदा की दीवारों को या आंतों को ये छील देती हैं, तो एक तरह से कुरहा बना देती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कौलंज भी पैदा हो सकता है, अगर मुखाती खाम नजलावी रुतुबात जो है वो मुखाती खाम हो तो कौलंज भी पैदा हो सकता है, और साथ साथ अगर ये तेज हो तो इसकी वजह से जरब मा या उसको हम सीधे साधे लब्जों में कह दें इसहाल, तो इसहाल भी पैदा करती हैं। तो क्लस्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिम्टम्स जो मिले हैं हमारे COVID-19 पेशेंट में, तो सेम वही अलामत और निशानियां नजला में मुब्तला अशखास में भी पाई जाती हैं, किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। कब पाई जाती हैं, जब वही नजलावी रुतुबात हलक पर इंसिबाब हो करके या हलक पर गिरने के बाद मरी के रास्ते मैदे तक पहुंच जाएं, तो जब ये मैदे में पहुंचती हैं तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जो है अफेक्ट होता है और ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है भाई, अच्छा तीसरा जो क्लस्टर है सिम्टम्स का, वो क्लस्टर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं। ठीक है, कोविड 19 के पेशेंट्स में बहुतेरे ऐसे थे जिनमें कोविड का तादिया पाया गया, कोविड का इन्फेक्शन पाया गया, लेकिन उनमें रेस्पिरेटरी और ना ही इंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट हुआ, बस उनमें जो अलामत और निशानियां पाई गई उनमें वो सारी की सारी जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड थी। मिसाल के तौर पर उनमें मसल्स पेन पाया गया, जॉइंट्स पेन पाया गया, इसके साथ फतीक पाई गई और या थकावट कह लीजिए, जोफ और नकाहत कह लीजिए, उसी तरह से हेडेक, दर्दे सर, ये पाया गया। ठीक है, तो इन सिम्टम्स को जब हम देखते हैं तो पुरानी किताबों में देखते हैं वो लिखते हैं कि कभी कभी ये नजलावी रुतुबात आजाए बईदा तक पहुंच जाया करती हैं आसाब के जरिया से, और यहाँ पर वाज़ह लफ्जों में लिखा हुआ कि जब दिमाग के फुदला जब उनमें सैलान आता है तो जब वो बहते हैं तो कुछ तो नाक के रास्ते खारिज हो जाते हैं और कुछ जो है हलक पर गिरते हैं जहां से वो फेफड़े तक जाते हैं या फिर मैदे में जाते हैं, और फिर यहां से जज्ब होकर के वो पूरे जिस्म में पहुंच जाते हैं। और चूंकि ये वबाई मर्ज, इसको अभी हम कह रहे हैं COVID-19 और हम समझते हैं कि ये नजले हार या नजले वबाई है, तो ये जब मवाद जो है जिस्म में पहुंचने के बाद वहां से जज्ब होते हैं, पेट और सीने से जज्ब होने के बाद ये पूरे जिस्म में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पूरे जिस्म में पहुंचने के बाद निकल नहीं पाते। तो नतीजे के तौर पर ये आधा के रखनों और खलाओं में रुक जाते हैं, स्टे करते हैं वहां,
ठीक है, जब ये अदा के रखनों और खलाओं में पहुंचते हैं तो ये अपनी हिद्दत की वजह से दर्द पैदा करते हैं, ये अपनी हिद्दत की वजह से वहां पे दर्द पैदा करते हैं। और दर्द का हमारे यूनानी में कंसेप्ट भी यही है कि आमतौर पर ये खिल्द के शमूलियत की वजह से दर्द होता है, और इसीलिए आमतौर पर देखिए दलक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जोड़ों के दर्द के लिए खास तौर से। तो मैं ये समझता हूं जो फुजलात दिमाग से चल करके मैदे और फेफड़े तक आती हैं, वहां से जज्ब हो करके ये पूरे जिस्म में पहुंचती हैं, या तो ये होता होगा कि चूंकि ये हर मर्द है और जिस्म में हरारत पैदा करता है, जिसके नतीजे में आम तौर पर जिस्म में जो फुजलात में जमा रहते हैं उनमें रिक्त पैदा होती है और वो निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने का कोई रास्ता ना पा करके अपने से कमजोर आजा में या फिर आजा के रखनों और खलाओं में पहुंच जाते हैं जिनमें से जोड़ खास तौर से काबिले जिक्र है, वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो चलने फिरने में दुश्वारी पैदा करते हैं। और वही है यहाँ पर भी क्लस्टर ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिम्टम्स, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन, हेडेक और दर्द सर के ताल्लुक से, सुदा के ताल्लुक से या शीका के ताल्लुक से। बड़े ही वाजे लफ्जों में किसी भी यूनानी लिटरेचर बुक को ले लीजिए तो वहां पर ये सारी चीजें बहुत ही वाजे लफ्जों में लिखी हुई हैं। नजला की वजह से दर्द सर पैदा होता है, नजला की वजह से सुदा पैदा होता है, नजला की वजह से शीका भी पैदा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब इन क्लस्टर ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूं, मुझे यकीन है मैं ये कह सकता हूं कि COVID-19 जिसे हम आज कह रहे हैं वो पुराने जमाने का नजला है, खासतौर से वो नजला जो नजला हार कहलाता है और उसी की किस्म एक है नजला वबाई। तो इसलिए ये COVID-19 जो है वो नजला वबाई या नजला हार है जिसका आज हमें सामना है बड़े पैमाने पर। अच्छा, इसके अलावा और जो कम्प्लिकेशंस मिले हैं COVID-19 के पेशेंट्स में, ठीक है, उसमें दो चीजें खास तौर से जिक्र में आती हैं। एक तो ये कि उनका जो है नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, एक तो ये कि उनका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और दूसरे ये कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जो लिटरेचर मौजूद है उसमें ये है कि जो सपोर्टिंग सेल होते हैं खासतौर से ऑल्फैक्टरी नर्व के, उसको ये डैमेज करता है और फिर ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को डैमेज करता है जिसकी वजह से लॉस ऑफ टेस्ट पैदा होता है, लॉस ऑफ टेस्ट पैदा होता है। तो यहां पर देखिए मैंने अभी अभी बताया इससे जो है आसार तो हर हाल में जो है तो अफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह दिमाग को मुतासिर करता है पहले, फिर वहां से निकल करके मुख्य फाजा पे गिरता है और दिमाग जो है वो हिस्स हरकत का मद्दा है। तो जब कोई मादा वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है वहां पर उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। दूसरे कि जब वो ही फुजलात वहां से निकल करके मुख्तलिफ आदा पर गिरेंगे तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। चुनाचा किताबों में ऐसा लिखा हुआ जैसा कि मैंने बताया कि लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, यूनानी किताबों की मैं बात करता हूँ, हिस्से शम को वाजे तौर पर लिखा है कि ये बातिल देते हैं। तो अगर ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि खास तौर से ये टेस्ट और स्मेल को अफेक्ट करता है तो ये किताबों में पुराने लिखा हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है कि कोरोना वायरस जो है ये नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है, बल्कि ये वही पुराना मर्द है जिसको हम नजला कहते थे, जिसमें जो है स्मेल जो है वो डिस्टर्ब होती थी और टेस्ट जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता था। तो ये वही है। और ये चीज और भी वाजे होकर के उस वक्त सामने आती है जब हम लिटरेचर में ये भी पढ़ते हैं कि ये समम भी पैदा करता है, यानी बहरापन। नजला अगर हो जाए, नजले हार अगर हो जाए तो इन मरीजों में कभी कभी जो है समम पैदा हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं बहरेपन, यानी ये उन आसाब को जो सुनने का काम करती हैं उसको उस पर भी असर अंदाज होते हैं जिसकी वजह से बहरापन देखने को मिल सकता है, ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये वर्म गोश भी पैदा करते हैं, यानी कान में वर्म भी पैदा कर सकता है, हिस्से शम को मुतासिर करता ही करता है। इसके अलावा इसके जरिया से खदर
यानी सुनपन, सेंसेशन जो है वो लॉस हो सकता है, ऐसी किताबों में लिखा हुआ है यूनानी। और इसके साथ साथ फालिज भी पैदा हो सकती है, फालिज भी पैदा हो सकती है। तो यहाँ तो सिर्फ अभी तक जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है कोविड 19 के ताल्लुक से कि सिर्फ वो स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन यूनानी किताबों में उससे आगे की चीजें भी लिखी हुई हैं। उसमें ये भी बताया कि ये बहरेपन डेफनेस को भी ताज कर सकता है, इसी तरह से सेंसेशन को मुतासिर कर सकता है, हिस को हिस्से लम्स को मुतासिर कर सकता है, और फालिज भी काज कर सकता है। ये वादे तौर पर किताबों में मौजूद है। तो अगर ये कोविड 19 जो है वो आसाब को मुतासिर करता है और इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं आज, तो इससे पहले नज़ले में भी ये सारी बातें लिखी जा चुकी हैं और ऑब्जर्वेशन में और तजर्बे में रही हैं कि नज़ला के मरीजों में ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। अच्छा, हमारे जानने में कान का बहरापन तो मैंने नहीं सुना ना भी पढ़ा कि कोविड 19 के ताल्लुक से किसी आदमी में बहरापन भी वादे हुआ हो, लेकिन यूनानी किताबों में लिखा हुआ। और इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे एक जानकार थे जिनको तो कोविड नहीं हुआ था, लेकिन कोविड का वैक्सीन उन्होंने लिया। कोविड का वैक्सीन पहला लिया तो पहले डोज के बाद तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा डोज लेने के 2 घंटे के अंदर वो सही सालिम थे। कोविड 19 का जो वैक्सीन है कोविशील्ड, मेरे ख्याल में उन्होंने लिया था, कोविशील्ड के लेने के बाद जो है वो बहरे हो गए। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगे होंगे उनको बहरे होने में। और वो मैं समझता हूँ लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन जाकर के इंटरनल आर्टिफिशियल इंफेक्शन काज करता है और कहीं ना कहीं जाकर के वो उस असब को मुतासिर कर दिया जो सुनने का काम करती थी। तो यहां पर देखिए कि हमारा लिटरेचर जो है, आज का जो लिटरेचर, उससे कहीं ज्यादा रिच है। वो बातें जो अभी सामने नहीं आई हैं और आने वाली हैं, अभी आगे करके आएंगी, वो सारी की सारी इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम ये मानने के लिए बहरहाल अभी तैयार नहीं है कि कोविड 19 कोई नया मर्ज है, बल्कि वो पुराना मर्ज है जिसमें ये सारी अलामत और निशानियां पाई जा रही थी, पाई जाती हैं, जो कोविड 19 के ताल्लुक से बताई जा रही हैं। अच्छा, दूसरा सिस्टम जो अफेक्ट होता है खास तौर से, ऐसा तो बहुत कम होता है कि ये अफेक्ट होता है, लेकिन होता है, लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आमतौर पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है और उसका कारण जो है वो थ्रोम्बोसिस है या वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, यानी ये सुबदे पैदा पैदा होता करता है। कोविड 19 में रुकावटें पैदा होती हैं खून की नालियों, ठीक है, ये चीज अभी के लिटरेचर में मौजूद है। जब हम पुराने लिटरेचर खोल खोल करके देखते हैं तो वहां भी सुद्दे का जिक्र है, नजलावी रुतुबात जब मुख्तलिफ आजा या आजाए बईदा तक पहुंचती हैं मुख्तलिफ रास्तों से, तो वहां पर सुद्दा पैदा करती हैं, ठीक है, सुद्दा पैदा करती हैं, उन्होंने ये बात।
आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर, बस 2 मिनट में एग्जिट हो गए थे, वहाँ थोड़ा सा कॉलेज में रिनोवेशन चल रहा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ, फिर वो 1 मिनट में एंटर कर लेंगे। ओके ठीक। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सब। हाँ एक मिनट। हाँ हाँ आवाज आई जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है, आ रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो लिटरेचर हमारे पास अभी तक अवेलेबल है उसमें खास तौर से थ्रम्बोसिस, डीप वेन थ्रम्बोसिस का तस्करा वहां पर मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप होता है और इस्कीमिक इवेंट इन ब्रेन का भी तस्करा है कि वहां पर ये चीजें होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुराने लिटरेचर में ये तो कहीं वाजे लफ्जों में नहीं लिखा कि इसकी वजह से या ये रुतुबा शुद्धा पैदा कर, क्योंकि इसके बताने की जरूरत नहीं है। जब नतीजे कार सामने हो और उसकी वजह भी मालूम हो तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए उन्होंने लिखा है कि कभी कभी ये बहित के आजा में पहुंच जाती है और वहां पर डाउनफिल भी पैदा होता है, फालिज भी पैदा होता है, खदर भी पैदा होता है। डाउनफिल के ताल्लुक से वादे लब्दों में लिखा हुआ है कि ये आमतौर पर उरूक में शुद्धे की वजह से होता है, जिसकी वजह से जो रुतुबात हैं या खून है उनके बहाव। तो यहाँ पर नजला के मरीजों में डाउनफिल के पैदा होने की वजह क्या हो सकती है? ये बिल्कुल वाजे है कि नजलावी रुतुबात वो उरूक में शुद्धा पैदा करती हैं, शुद्धा पैदा करती हैं, इसकी वजह से इस्तेमा होता है फजलात का और इसी वजह से फिर पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, ये सारी चीजें मालूम है। कर रहा था कि दूसरे अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से फालिज होता है, ऐसा लिखा हुआ है यूनानी किताबों की, फालिज होता है और खदर होता है। फालिज का एक बड़ा कार्ड आपको मालूम है कि आमतौर पर जब दिमाग में उरूक में अगर इस्कीमिया डेवलप हो गया तो उसकी वजह से दिमाग के कुछ हिस्सों की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसके नतीजे में वो काम करना बंद कर देते हैं और नतीजे के तौर पर हिस्से या हरकत वो बातिल हो जाती है। तो फालिज पैदा होना नजलावी रुतुबात या नजला के मर्ज में मुब्तला लोगों में फालिज का पैदा होना इस बात की दलील है कि फालिज के पैदा होने के लिए कहीं ना कहीं सुद्दा बन रहा है, जिसकी वजह से उनकी हिस्से और हरकत में खलल पड़ रहा है। इसी तरह से अगर सुनपन जिस्म के किसी हिस्से में पैदा हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी बहुत सारे काज हो सकते हैं, लेकिन एक काज ये भी हो सकता है कि जो आसाब हैं उनके रास्तों में रुकावट पैदा हो जाए। ऐसा आमतौर पर देखिए फालिज और खदर के उसमें लिखा हुआ है कि आसाब जो हैं वो खास मुख्तलिफ तरह के फुजलात जब उन आसाब में पहुंचते हैं तो जो रूहे नफसानी होती है उसके ट्रेवलिंग में जो है वो रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से हिस जो है वो जायल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मुझे ये कहना था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो अफेक्ट हो रहा है कोविड-19 में, तो ऐसा नहीं कि ये नया है कोई, या कोविड-19 के मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का अफेक्ट होना ये कोई नई बात। मैं वही बात कहूंगा कि ये नजर मरीजों में पेचीदगी के तौर पर
सकता है, ये बात हो सकती है कि उस जमाने में बारीक उरूब के सुद्दे को देखने का कोई जरिया और तरीका नहीं था, लेकिन आज वो जरिए डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास है, तो बहुत अच्छी तरह से हम उन सारी चीजों को देख पाते हैं या बता पाते हैं। तो इन सारी बातों की रोशनी कोशिश की है कि यूनानी टिब से या तिब्बी लिटरेचर जो हमारे पास है उससे जब हम जरा इसका मुआयना कर लें, तो मुझको ये लगता है क्योंकि COVID-19 के अक्सर वो बेशतर बल्कि रेयर जो प्रेजेंटेशन हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी हमारी तिब्बी किताबों में मौजूद हैं नजला और जुकाम के ताल्लुक से। तो मैं अब पहुंच रहा COVID-19 बीमारी नहीं है हमारे यहाँ, वो मर्ज जिसको नजले के तौर पर जुकाम के तौर पर नजला और जुकाम के तौर पर गया है वही। अब इस वक्त और जुकाम में कोई इजाफा हुआ है, इल्म में इजाफा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो वही चीज जो वो ये कि सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 की वजह से ये मर्ज होता है, ठीक है, लेकिन उसकी अलामत और निशानियां उसका प्रेजेंटेशन वो सारा का सारा वही है जो पुराने जमाने में था और है, और इंशाल्लाह वही पाया जाता रहेगा जब पैदा करने वाले असबाब मौजूद रहेंगे। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, ये COVID-19 या जो नजला है उसके असबाब क्या हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। COVID-19 के ताल्लुक से मालूम है आप लोगों को कि ये सास कोरोना वायरस टाइप 2 की वजह से होने वाला मर्ज है, ठीक है। नजला और जुकाम के ताल्लुक से किताबों में कई चीजें जो है लिखी हुई कि इसके असबाब क्या हो सकते हैं, तो मैंने उनको जब समराइज किया तो सिर्फ दो लाइन में हमने लिखा है कि हरारत मिजाजी या हरारत खारजी या दोनों की शमूलियत की वजह से होने वाला ये मर्ज है। हरारत मिजाजी हो या हरारत खारजी हो यानी बदन के अंदर ना हो, हरारत मिजाजी यानी बदन के अंदर अंदरूनी सबब, या हरारत खारजी जो बदन का ना हो बल्कि बदन से बाहर कोई खारजी सबब है, इन दोनों की शमूलियत की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बुरूते मिजाजी या बुरूते खारजी की वजह से, नजला की एक किस्म जो बारिद है उसके सबब क्या है, बुरूदते मिजाजी यानी मिजाज में बुरूदत लायक हो जाए, या फिर कोई ऐसी बुरूदत जो जिस्म से बाहर हो यानी वो अंदरूनी ना हो, तो अंदरूनी बुरूदत या बैरूनी बुरूदत या इन दोनों के इश्तराक से भी ये पैदा हो सकता है, लेकिन अभी जिस मर्ज की हम बात कर रहे हैं जिस नजले की वो उसका सबब पहला है, हरारत मिजाजी हो और उसके साथ जो हरारत खारजी हो, तो इनकी वजह से जो है ये नजला पैदा होता है, ठीक है। एक कॉल नीचे लिखा हुआ है कि जब तक खारजी और दाखिली दोनों सबब जमा ना हो तो नजला और जुकाम पैदा नहीं होता, और जो नजला और जुकाम इन दोनों असबाब की वजह से पैदा होता है तो वो ज्यादा कवी होता है, ठीक है। ये शेख का कॉल है, शेख बू अली सीना का, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आमतौर पर खारजी और दाखिली सबब सिर्फ दाखिली या अंदरूनी या बदनी या मिजाजी सबब की वजह से नजला पैदा नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ ना कुछ खारजी असबाब हुआ करते हैं। वो असबाब जब अंदरूनी सबब पर वारिद होते हैं तो अंदरूनी सबब और ज्यादा ताकतवर हो जाता है जिसके नतीजे में बीमारियां पैदा होती, ठीक है। अब एक और कॉल नीचे लिखा हुआ है, गर्म मिजाज वाले दाखली असबाब की वजह से नजला और जुकाम में मुब्तला नहीं होते, गर्म मिजाज के लोग दाखली सबब की वजह से उमूमन नजला और जुकाम में मुब्तला नहीं होते, बल्कि होता यह है कि वो खारजी सबब की वजह से नजला और जुकाम में अक्सर मुब्तला होते हैं, ठीक है, दाखली सबब। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि अबू अली सीना ने यह लिखा है कि जो इसके असबाब हैं नजले हार के, उसमें वो तमाम चीजें जो जिस्म के अंदर गर्मी पहुंचा दें या बढ़ा दें, और वो चीजें जो बाहर हैं और उनसे जिस्म हमारा मुलाकी हो, उसके कंटेक्ट में आए, उससे एक्सपोज्ड हो और उसकी वजह से जिस्म में गर्मी बढ़ जाए तो उसकी वजह से नजला हो सकता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा है कि धूप की गर्मी है, ठीक है, या खुशबूदार चीजों के सूंघने की वजह से जो बाहर होती हैं,
या इसी तरह से हमाम की गर्मी है या फिर रियादत की गर्मी है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि बाद समूम की वजह से हो सकता है, बाद समूम यानी जहरीली हवा, जहरीली हवा का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसमें जहर फैला हुआ हो, बल्कि उसके जो जौहर है उसमें तब्दीली आ जाती है। वबा भी देखिए फैलती है आमतौर पर हवाओं के जौहर में जब तब्दीली आ जाती है, तो कैफियत की तब्दीली की वजह से आमतौर पर वबा बहुत ज्यादा नहीं फैलती, या ये कह लीजिए कि वबा नहीं आती हवा की कैफी तब्दीली की वजह से, जब तक कि उसके जौहर में कोई ऐसी तब्दीली ना हो जाए जो आमतौर पर हवा में नहीं होती है। तो अभी देखिए कोविड 19 जो आया है और इतने बड़े पैमाने पर आया हुआ है कि इसके ताल्लुक से ये कहना कि कोई बदनी काज होगा या बदन से बाहर का ऐसा काज जो इमीडिएट इन्वायरमेंट में हो, ऐसा बेजा होगा। और मैं ये समझता हूं कि यहां पर जौहरे हवा में तब्दीली असरअंदाज हुई है दिमागी हरारत पर या जिस्मानी हरारत पर, जिसने उस जिस्मानी और दिमागी हरारत को इतना बढ़ा दिया कि ये मर्ज जो है वो वबा के तौर पर फैल गया, ये वबा के तौर पर फैल गया। अगर हम हवा को यहां से एक्सक्लूड कर दें तो मैं नहीं समझता कि इतने बड़े पैमाने पर कोविड 19 के इंतजार को आप समझा पाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि हवा ये या बादे समूह या हवा का जो जौहरी मुरक्कब है उसमें तब्दीली ही उमूमन इतने बड़े पैमाने पर मिजाजी हरारत को बढ़ाने का काम कर सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि अगर हवा सबब है तो उसके साथ साथ तीन चीजें, यानी किसी भी मर्ज को पैदा करने के लिए सबब के अंदर तीन शरायत का होना जरूरी है। एक तो ये कि जो भी सबब है, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो या दोनों मिला करके, उसमें इतनी ताकत हो कि वो नई हालत पैदा कर ले या पैदा नई हालत पैदा करने की सलाहियत हो उसके अंदर, इतनी ताकत और कुव्वत उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरे ये कि जिस जिस्म पर वो असर कर रहा है उस जिस्म में उस सबब के असर को कबूल करने की सलाहियत भी हो, यानी इस्तेदाद बदन का होना जरूरी है, बदन में मर्ज को कबूल करने की इस्तेदाद का होना जरूरी। दूसरी, तीसरे कि जो सबब है और जहां पर सबब असर कर रहा है, उन दोनों का दौरानिया लम्स या कंटैक्ट पीरियड या एक्सपोजर इतना हो कि सबब जो है इतना असर कर सके कि बीमारी पैदा हो जाए, अदरवाइज बीमारी या तो नहीं पैदा होगी या बहुत हल्की होगी, या कुछ लोगों में अगर बहुत ज्यादा सबब कवी भी रहा, दौरानिया लम्स भी ज्यादा रहा और इस्तेदादे बदन भी ज्यादा रही, तो मुमकिन है कि उसमें जो है खतरनाक तरह की बीमारियां पैदा हों। तो यहां पर देखिए जो डिजीज का प्रेजेंटेशन है कि 1/3 से जायद जो है वो आमतौर पर उसमें साइन और सिम्टम्स नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत ही माइल्ड मिलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सबब की तीनों शरायत हैं, यानी सबबियत की तकमील के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में मर्ज जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, बन नहीं पाया। तो जिन लोगों में ये सबबियत की तकमील जितनी ज्यादा मुकम्मल हुई है उतने ही खतरनाक मर्ज में वो मुब्तला हुए हैं। यहां एक बात आ सकती है कि क्या वजह है कि बूढ़े लोग ही ज्यादा इसमें अफेक्ट होते हैं जबकि उनका मिजाज जो है वो सर्द होता है, और यहाँ पर जो सबब बताया जा रहा है वो अंदरूनी या बैरूनी हरारत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो आमार या उम्रों का मिजाज है वो एक उम्र से दूसरी उम्र के मुकाबले में बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग जो है वो बिल्कुल ठंडे होते हैं, जवान लोग बिल्कुल गर्म होते हैं, बच्चे जो है मरतूब होते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ उम्रों के मिजाज को मुकाबले के तौर पर बताया जाता है, ठीक है। और दूसरी ये कि बूढ़े लोगों में फुजलात ज्यादा बनते हैं क्योंकि उनके कुआ कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, कुवत दाफिया कमजोर हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाते, इसलिए उसमें सबब के कबूल करने की या सबब के असर को कबूल करने की इस्तेदाद ज्यादा होती है। तो सबब जो कि बादे समूह है जो गया है, और बूढ़े लोग वो जिनमें ये पूरी तरह से असरअंदाज हो। अब इन बूढ़े लोगों में अगर बादे समूम का असर अपने दौरानी
कर लेता है तो जाहिर सी बात है इन लोगों में मर्स खतरनाक रूप, आपने देखा भी कि वो अबदान जो बूढ़े थे या वो लोग जो बूढ़े थे इस मर्ज में मॉर्टेलिटी या शरह मौत उन्हीं लोगों में ज्यादा हुई, जवानों में भी हुई, ऐसा नहीं कि जवान नहीं मरे। मालेगांव में आमतौर पर बूढ़ों के साथ साथ फर्स्ट वेव में बहुत सारे पुलिस वाले और हेल्थ वर्कर्स भी बहुत हुए, वो जवान थे, लेकिन उनके साथ साथ ज्यादातर थ्रू आउट वर्ल्ड अगर देखा जाए तो जो डेटा है उससे हम कह सकते हैं कि बूढ़े लोग में मुब्तला भी, सिर्फ इस वजह ज्यादा नतीजे के तौर पर ज्यादा मुब्तला हुए, ठीक है। तो ये है उसका सबब। अब देखिए, अब इस मर्द की तशखीस उसूल इलाज मैंने लिखा, अगर आप तशखीस करना चाहें तो सीधे सीधे अलामत और निशानी यूनानी में क्या है। अब मॉडर्न में अगर हम जाएं तो वहाँ आरटीपीसीआर की वजह के जरिए से या फिर फला वायरस मर्ज का सबब है, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मर्ज की तशखीस के लिए अलामत और निशानियों की तरफ हमें रुजू करना पड़ता है। तो जब आप अलामत और निशानियों की तरफ जाएंगे तो आपको वाजह तौर पर जो निशानियां नजर आती हैं नजला और जुकाम में, उसकी बुनियाद पर आप ये तय कर पाएंगे कि ये नजले हार है या नजले बारिद है, ठीक है। इसकी और बहुत सारी अकसाम है लेकिन यहाँ पर दो खास तौर से जिक्र है। नजले बारिद, देखिए बुरूदत में कभी भी ये सलाहियत नहीं होती कि वो इतने बड़े पैमाने पर फैल सके, इसीलिए बुरूदत से या खिलते बारिश से जो मर्ज पैदा होता है वो मुजमिन तो होता है लेकिन आमतौर पर वो एक्यूट नहीं होता, आमतौर पर वो एक्यूट नहीं होता, ठीक है। इसलिए नजले हार मैं समझता हूं कि कभी भी उसमें ये सलाहियत नहीं होगी कि इतने बड़े पैमाने पर वो फैल पाए, क्योंकि वो आमतौर पर उसके अहबाब जो है वो बदन में धीरे धीरे जो है वो जमा होते रहते हैं और लोगों को धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं, वो अचानक से नहीं बढ़ते। लेकिन नजले हार में ये सलाहियत है कि अगर कोई ऐसा सबब जो दिमागी और जिस्मानी हरारत और तो उन लोग इस सबब को कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद है, तो इसीलिए नजले हार जो है वो ज्यादातर लोगों में दिखाई देता है या आलमी पैमाने पर दिखाई देता है या आलमी पैमाने पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बात और जो किताबों में लिखी हुई यहां पर मैं शेयर करता हूं कि जब कभी भी नजला नजले हार हो, नजले हार हो और हार हो तो ही उसकी वजह से अमराज की वकू पजीरी ज्यादा होगी, तो ही उसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के कॉम्प्लिकेशन, सीधे लफ्जों में अगर हम कहें कि जब कभी नजले हार होगा और हाद होगा यानी एक्यूट होगा, ठीक है, और हरारत की वजह से होगा चाहे वो खिलती हो या मिजाजी हो, तो इसी की वजह से मुख्तलिफ तरह के अमराज एज ए कॉम्प्लिकेशन या आराज पैदा हो सकते हैं नजले की कंडीशन में। और ये भी लिखा हुआ है कि नजले हार ही वो नजला है जो रद्दी होता है, रद्दी मतलब बहुत बुरा, तो बहुत बुरा होने का मतलब यही है कि उसकी वजह से जो है शदीद तरीन अमराज पैदा हो या नजला खुद बहुत शदीद तरीन हो जाए और उसकी वजह से जो दूसरे अमराज पैदा होते हैं वो जो है पैदा होने लगे। तो यहाँ पर कोविड में देखिए कि ढेर सारे अमराज एज ए कॉम्प्लिकेशन लोगों ने गिना रखे हैं या लिख रखे हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट होता है, इसके अलावा जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होती है या मुख्तलिफ और आदत जो है अफेक्ट होते हैं। तो ये नजले हार ही वो नजला हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, नजले बारिश में आमतौर पर नहीं होंगे और न इतने बड़े पैमाने पर हो पाएगा।
और दूसरी ये कि ना बारिश अमराज में कोई ऐसी इमरजेंसी आमतौर पर देखने को मिलती है कि उसकी वजह से फौरन ही किसी को एडमिट करना पड़े, लेकिन हरारत की वजह से एक्यूटनेस वो आ सकती है और आती है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि ये नजले हार है, सबब में ये नजले हार है जो दिमागी और जिस्मानी हरारत उसके अलावा बादे समूम जो खारजी सबब है इन दोनों के इश्तराक से पैदा हुआ है। और चूंकि दुनिया भर में ठीक है इस्तेदाद इस्तेदाद मर्द रखने वाले अबदान कसीर तादाद में मौजूद थे, इसलिए हवा के जरिया से ये जिन हवा के जरिया से जब जब ये उन लोगों तक पहुंची जिनमें मर्ज के कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद थी तो वो इस मर्ज में मुब्तला हुए और हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नजले का नजले हार के अस्बाब में से। अब मैं इसकी उसूल इलाज के साथ साथ इसके इलाज की तरफ आता हूं, और इसमें कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जितनी भी बातें मैंने अब तक कही हैं आप यकीन मानिए ये मेरे पास किताब है, ये देखिए किताब मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि किताबों में लफ्ज बलफ वही लिखा हुआ है जो मैं आपको समझ लीजिए कि पढ़ करके सुना रहा हूँ। अब आइए, तशखीस की बात चल रही थी तो मैं अलामत और निशानियों की बुनियाद पर आप जब तशखीस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये नजले हार ही। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके इलाज की तरफ। इलाज के इलाज का दारोमदार देखिए, पांच चीजों पर हुक्मा ने लिखा, छह चीजों पर हुक्मा ने लिखा है। एक तो यह कि नजला पैदा करने वाले मादे को कम किया जाए, ठीक है, उसके लिए आप तलीन कर सकते हैं, तलीने अमा और इससे फराक से काम ले सकते हैं, ठीक है, दलक भी कर सकते हैं, और हार अखलात को खारिज करने के लिए आमतौर पर सकमुनिया का इस्तेमाल होता है, सकमुनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो सबब फाइल को दूर कर, सबब फाइल यहाँ पर मिजाजी हरारत भी हो सकती है और बैरूनी हरारत भी हो सकती है। यहाँ पर अगर बैरूनी हरारत इसका सबब है जैसा कि हम समझ रहे हैं तो उसको दूर नहीं किया जा सकता फिलहाल, क्योंकि वो हवा है जिसका जौहर तब्दील हो चुका है पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर। तो जाहिर सी बात है जब तक वो वजूहात हमें मालूम नहीं होंगी तब तक इस सबब को दूर नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इसका सबब या कह लीजिए कि सबोर्टिव काज जो है अगर वो मिजाजी हरारत है तो उसको जो है आप मुतदिल कर सकते हैं मुख्तलिफ दवाओं के जरिए से, मुख्तलिफ तदाबीर के जरिए से, जैसा कि इस मर्ज को ठीक करने के लिए इलाज मुआलजे में अपनाया जाता है। तीसरी चीज जो है वो है मादे के सैलान के बहाव को का रोकना है, मादे के सैलान के बहाव को रोकना है। ठीक है, मादा जो दिमाग से चल करके नाक के रास्ते अलग के रास्ते जिसम के अंदर पहुंच रहा है या जिसम के बाहर निकल रहा है तो अगर इब्तिदा में है तो उसको रोकना नहीं चाहिए ताकि पूरी तरह से दिमाग में भरे फुदलात वो निकल जाए, लेकिन अगर मुस्तकिल निकले जा रहे हैं तो उनके रोकने की भी सबील की जानी चाहिए, और उसके लिए आमतौर पर मुख्तलिफ तरह की दवाएं इस्तेमाल होती हैं और एमाले के जरिए से भी फायदा हासिल किया जा सकता है। ठीक है, चौथी चीज जो है कवाम को मुतदिल बनाना, ये मुख्तलिफ आपने इस्तफराग के उसूल में पढ़ा होगा कि कोई भी खिल जिसको बाहर निकालना है जो कि फजला बन चुकी है जिसकी वजह से मर्द पैदा हो रहा है तो उसको निकलने के काबिल बनाने के लिए जो है कवाम को का मुतदिल होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ दवाओं का इस्तेमाल किया। ये ठीक है, फिर उसके बाद पांचवी चीज है मादे को मुखालिफ सिम माइल करना ताकि वो उन मखसूस आजा पर जो आसानी से इस मर्द में मुब्तला हो जाते हैं या इन फुजलात के वहां पहुंचने की वजह से वर्मी कैफियत उनमें जल्दी पैदा हो जाती है तो वहां पे ना पहुंच पाए तो उसके लिए क्या करना है, फुजलात को जो है वो इंदिफा करना है, मुखालिफ सिम में जो है वो उनको हटाना है, इमाला करना है। ठीक है, और लंग्स देखिए हमारे जिस्म में लंग वो उज्व है जो सबसे आसानी के साथ जो है दूसरे आजा के फुजलात को कबूल करता है और आसानी से बीमार हो जाता है। उसकी वजह यह है कि फेफड़ा या लंग जो हमारा होता है वो मुतखलखल आजा है, मुतखलखल आजा आमतौर पर नजलाबी रतुबात को बहुत आसानी से हलक के रास्ते लंग्स तक पहुंचती है और वो उनको कबूल कर लेता है, और जैसे ही कबूल करेगा जाहिर सी बात ये रतुबात अगर वहां पर रह गई वहां से नहीं निकली तो वर्मी कैफियत पैदा हो जाएगी और जिसकी वजह से उसे तनफ्फुस हर हाल में पैदा होगा।
और इसी वजह से लिखा है कि नजला के मरीजों में अक्सर जातुल रिया और जातुल जन पैदा हो जाता है, जैसा कि कोविड 19 में पैदा होता है। अब जो नजलावी रुतुबात वहां पहुंच गई हैं, अगर वो निकल नहीं पाती, जैसा कि इसमें देखा गया है कि आमतौर पर ड्राई कफ होता है और वेट कफिंग भी होती है, लेकिन बलगम पूरी तरह से निकल नहीं पाता, उसकी वजह यह होती है कि बलगम सीने लंग्स में जो मौजूद होता है वो बहुत लेसदार होता है, उसमें चिपक की कैफियत ज्यादा होती है। हालांकि हरारत की वजह से बहुत सारे फुजलात जो है तहलील हो जाते हैं बुखारात की वजह से, जैसे आमतौर पर जब हम पानी वगैरह कोई भी चीज पकाएं तो उसमें से भाप निकलती रहती है, लेकिन जो पानी वाला हिस्सा है जैसे जैसे वो खत्म होता जाएगा तो दूसरी और चीजें उस बर्तन में अगर होंगी तो वो गाढ़ी होती चली जाती, तो उसी तरीके से लंग्स में होते हैं, लेकिन जो गाढ़े होते चले जाते हैं उनमें जब पैदा हो जाती है मुख्तलिफ खिलतों की शमूलियत की वजह से, तो जिसके नतीजे में वो आसानी से फिर नहीं निकलती, और फिर नतीजतन क्या होता है कि वो लंग्स के सारे जो रास्ते होते हैं, जो हवाई रास्ते होते हैं, उनको वो बंद कर देते हैं और फिर वहीं पर रह करके वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से कंसोलिडेशन होता है, नतीजे के तौर पर वो लंग्स जो है वो फैलना और पचकना जो है वो भूल जाता है एक तरह, या लंग्स के कुछ हिस्सों में वो फैलाव हो नहीं पाता, जैसा कि कोविड के मरीजों में देखा गया है, और ये नजला के मरीजों में होता है, एकदम 100% होता है अगर फुजलात को निकालने की कोई तरकीब या तदबीर नहीं की गई। इसीलिए हुक्मा ने लिखा है कि नजले और जुकाम को कोई आसान मर्ज ना समझा जाए, उनके जो फुजलात हैं उनको नुज्ज दे करके खारिज करने में अगर जरा भी कोताही की गई तो इसकी वजह से रद्दी किस्म के अमराज लायक होंगे, ये इस किताब में लिखा हुआ है। तो वही चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसी तरह से अवारदात जो हैं, जो नजला होने के बाद मुख्तलिफ आदा पर इनके इंसिबाब की वजह से जो दूसरे अमराज पैदा हो रहे हैं या जो दूसरे आदा जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं उनको बचाना, ये है इसका दारुमदार। ठीक है, फिर किताबों में देखिए जो इसके लिए नुस्खा लिखा हुआ है, नजले हार के लिए जो नुस्खा लिखा हुआ मैं वो पढ़ता हूँ कि नजले हार में बहीदाना, उन्नाब, सपिस्ता, सुखम खत्मी, ये स्लाइड में आपको दिखेगा, बहीदाना, उन्नाब, सपिस्ता, तुखम खत्मी, गाउजुबा, दरे आप जोशानीदा, साफ नमूदा, शरबत बनफशा, हल करदा, बनुशन, सुबह शाम, यानी बहीदाना, उन्नाब, सपिस्ता, तुखम खत्मी, गाउजुबा को पानी में भिगो देना है, फिर गर्मा करके शरबत बनफशा के साथ हल करके पी लेना। ठीक है, अगर नजल तो खांसी के लिए क्या क्या आपको ऐड करना है, इन दवाओं में से कुछ दवाएं ऐड कर लीजिए, जैसे लुआबे बहीदाना है, असलु सूर है, तुख्म कुबाजी है, और मैं नुस्खे के बारे में बता रहा था कि किताबों में जो लिखा हुआ है कि अगर नजला है, नजले हार है, तो बहीदाना, उन्नाब, सपिस्ता, तुख्म खत्मी, गाउजबां, इसका जोशादा बना करके पिलाना है सुबह शाम। ठीक है, अगर इसके साथ खांसी हो तो लुआबे बहीदाना, असलु सूर, तुख्म कुबाजी या कतीरा और इस जैसी जो भी चीजें होती हैं उनको जो है आप इसमें शामिल कर सकते हैं, हसब ज़रूरत जितनी हो। किताबों में ढेर सारी दवाएं लिखी हैं लेकिन मैंने दो तीन यहाँ पर लिख दी हैं। इसके साथ साथ अगर बुखार हो तो खाकसी, मगज़े, तुख्मे कद्दू, उन्नाब और शीरे उन्नाब का इजाफा किया जा सकता है। ठीक है, और चूंकि ये मर्ज जो है वो फुजलात दिमागिया की वजह से होता है तो मुनक्की दिमाग के तौर पर या फुजलात को दिमाग से खारिज करने के लिए उस्तु खुद्दूस का तस्करा आमतौर पर किताबों में मिलता है और हमें हम इसे जो है मुनक्की दिमाग के तौर पर देखते भी हैं और जानते भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मुनक्की दिमाग के तौर पर शामिल किया जा सकता है दिमागी फुजलात को बाहर निकालने। शुरू होती है मंसूरा काढ़े की कि कोविड 19 जो है वो कोई नया मर्ज नहीं है। मंसूरा ये समझता है कि कोविड 19 नजले हार है जो वबान फैला हुआ है, इसलिए किताबों में जो इलाज मुआलजे का तस्करा है उसी की रोशनी में बहुत पहले से यहाँ जोशादा नजला चलता था और उसी जोशादा नजला को नजला समझ करके कोविड 19 को ये इम्प्लीमेंट किया गया और इससे खातिर खा फायदा हुआ। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं हमारे नुस्खे में वो है असलुसूस, उन्नाब, खाकसी, गाउजबा, खत्मी, खुबाजी, सपिस्ता, अड़ूसा और उस्त खुद्दूस, ये तकरीबन 9 अज्जा हैं और तमाम ही मसावी वजन है या हम वजन कह लीजिए, ये हम वजन है और नीम कोफ्ता शक्ल में है।
और इसी को जो है मंसूरा काढ़ा के नाम से आमतौर पर इस कोविड 19 में या कह लीजिए कि नज़ले हार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नुस्खे की दवाएं देखेंगे तो आमतौर पर नज़ले हार, जिसका तस्करा अभी मैं पीछे से करता चला आया हूं, वो तमाम की तमाम दवाएं वही हैं जिसका तस्करा जो है वो यूनानी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है, कोई नई दवा नहीं है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सारी दवाएं कब कब और क्यों क्यों हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए उन्हें वही दवाएं यहां पर जो शायद नज़ला के तौर पर ऑलरेडी ये चल रही थी, ऐसा नहीं कि ये कोविड 19 में इसका इन्वेंशन हुआ है। नज़ले के मरीजों में, खासतौर से नज़ले हार के मरीजों में ये दवाएं दी जाती रही हैं। तो अब इसमें एक चीज जो नई की गई वो ये कि लोगों की आसानी के लिए मुख्तलिफ दवाओं के औजान जो है मुख्तलिफ थे नुस्खे में, लेकिन कोविड 19 में लोगों की आसानी के लिए इसके नुस्खे में तमाम दवाओं को हमवजन ले लिया गया। हालांकि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी अकली दलील तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोगों को आसानी हो, क्योंकि ये फार्मूला जो है फिर ये आम कर दिया गया ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और फिर इसका चलन आम हुआ। कोविड 19 में जब अप्रैल के जमाने में लॉकडाउन लगा तो हमारा कॉलेज भी बंद हो चुका था। दो तीन महीने बाद मई के महीने में जब दोबारा हम लोग वापस आए हैं तो जाकर के कॉलेज की तरफ से, चूंकि ये था कि उस जमाने में कोई दवा इसकी तो थी नहीं, कोविड 19 के ताल्लुक से कोई दवा सामने नहीं आई थी, और गवर्नमेंट का ये भी वो था कि भाई कोई ऐसी दवा कोविड 19 के इलाज के तौर पर आप मुतारिफ नहीं करा सकते जिसके ताल्लुक से मालूमात ना हो। तो बहरहाल डरते डरते लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया, और जब इसका फायदा आम लोगों की नज़र में आया तो कॉलेज ने फिर एक बड़े पैमाने पर इसको आप कह सकते हैं कि गैर सरकारी तौर पर टेस्ट करने की कोशिश की। तो इस जोशादे को कोविड 19 वॉरियर्स में इस्तेमाल किया गया, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में और हेल्थ वर्कर्स में, तकरीबन 350 लोगों में। और कोविड 19 के जो अलामत और निशानियां थी उनमें से 11 अलामत और निशानियों को चुना गया जो आम तौर पर होती थी। अच्छा, वबा के जमाने में ये एक आम बात है और जानी पहचानी बात है कि जब कोई वबा फैलती है तो कोई जरूरी नहीं कि सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, डायग्नोस किया जाए मुख्तलिफ जराए से कि भाई ये उसी मर्द में मुब्तला है, बल्कि अगर एक ही सिम्टम्स रखने वाले ढेर सारे लोग वबा के दौरान मिल जाते हैं तो ये समझा जाता है कि इनमें भी वही मर्द है। तो चूंकि वबा फैली हुई थी और बहुत सारे लोग मालेगांव में डायग्नोस थे, तो वही जो है सेम साइन और सिम्टम्स रखने वाले लोग जो आमतौर पर कोविड में काम कर रहे थे उनमें ये अप्लाई किया गया या उनमें ये इस्तेमाल किया गया। तकरीबन उनकी तादाद 350 लोगों की है, ठीक है, लेकिन मैं उस स्टडी में शामिल नहीं था क्योंकि ये कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में स्टडी नहीं हुई थी। लेकिन जिन लोगों ने हमारे कॉलेज से जिन लोगों ने इस स्टडी में काम किया उनकी उनके बातों के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि 350 लोगों में जो 11 सिम्टम्स चुने गए थे वो देख करके उनमें इस जोशादे को इस्तेमाल किया गया 4 से 5 दिन, कुछ लोगों में 4 दिन और कुछ लोगों में 5 दिन। 4 से 5 दिन इस्तेमाल किया गया, 4 से 5 दिनों के बाद वो 11 सिम्टम जो कोविड 19 में बहुत ही कॉमन थे, वही जैसे सर्दी है, नाक का बहना है, आंखों से पानी आना है, खांसी है, उसरे तनफ्फुस है, या इस जैसी और जो चीजें देखने को उस जमाने में आई, फिर उसको बाद में असेस किया गया तो ये देखा गया कि उन अलामत और निशानियों में खातिर खा कमी देखने को मिली 350 लोगों में इस्तेमाल करने के बाद ये पाया गया कि ये नुस्खा जो है मोतबर हो सकता है, मुफीद हो सकता है, क्योंकि इसका तस्करा ऑलरेडी किताबों में मौजूद है और इस हवाले से अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये मुफीद हो सकता है। जब ये उस एक तरह से हम कह सकते हैं कि पायलट स्टडी के बाद जब ये लगा कि ये मुफीद हो सकता है तो बड़े पैमाने पर फिर इसका इसकी मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुई कॉलेज में। कॉलेज में ही चूंकि एक फार्मेसी, वेल डेवलप्ड फार्मेसी है, हमारे कॉलेज में जितनी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी यहीं बनती हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 130 के आसपास मुरक्कबात हमारी फार्मेसी में बनते हैं कॉलेज में जो इस्तेमाल होते हैं, और 60 से 70 अदविया मुफरदा हमेशा यहाँ पर मौजूद रहती हैं जो मरीजों के लिए माशाल्लाह काफ़ी होती हैं। तो इस जोशादे को बड़े पैमाने पर फार्मेसी में तैयार कराया गया।
लेकिन जो लोगों की डिमांड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है इसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे या कॉलेज पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसी दौरान में फिर उसने दो तीन मशीनें क्रश करने के लिए, दो तीन मशीनें और फिर पैकिंग की मशीनें आई और बड़े पैमाने पर फिर इसको तैयार किया जाने लगा। तो एक डाटा के लिहाज से जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, उनके हवाले से मैं बताऊं कि फर्स्ट वेव में जो कोविड 19 के पेशेंट थे या फर्स्ट वेव में जो जोशादे के इस्तेमाल की मिकदार है वो तकरीबन जो है 18 टन है, यानी 18,000 किलो, 18,000 किलो ग्राम जोशादा जो है फर्स्ट वेव में सोल्ड आउट हुआ या बेचा गया या यहां से गया। इसी तरह से जो सेकंड वेव थी वो बहुत ही हद तक कम खतरनाक थी, मालेगांव में दूसरी वेव में मरने वालों की तादाद बहुत ही कम थी, ना के बराबर, बिल्कुल रोजमर्रा के मामूलात के हिसाब से लोगों का आना जाना, अपना काम करना, ये बिल्कुल जारी और सारी था। और हमारा कॉलेज तो मई के से खुलने के बाद दोबारा फिर कभी बंद नहीं हुआ, ये और बात है कि बच्चों को बहुत बाद में बुलाया गया, लेकिन टीचर्स हमेशा यहाँ पर मौजूद रहे और इस काढ़े वगैरह के ताल्लुक से काम अपना करते रहे। तो दूसरी वेव में चूंकि यहाँ पर लोकल उसमें बहुत कम मरीज देखने को आए, इसलिए वहां पर ये मिकदार जो है जोशादे की वो कम होगी। और सेकंड वेव में तकरीबन 3 टन या 3,000 किलोग्राम जोशादा बनाया गया और बेचा गया, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड वेव अभी की वेव है उसमें भी मालेगांव जो है लीस्ट अफेक्टेड कह सकते हम, लीस्ट अफेक्टेड इलाका है जहां पर कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं या पाए जाते हैं। तो इस थर्ड वेव में तकरीबन 1 टन अब तक दवाएं बिक चुकी हैं। अच्छा, ये जोशादा जो है हमारी ओपीडी से रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक जोशादा नल्ला के तौर पर ये बेचा जा रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर जब इसकी तैयारी हुई तो दूसरे स्टेट से और बास हवालों से कहा जा सकता है कि बैरून ममालिक से भी इसकी डिमांड आई। नतीजे के तौर पर कॉलेज की फार्मेसी उतना ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी, तो मैनेजमेंट का जो हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की अपनी एक फार्मेसी है अशफा फार्मेसी के नाम से, फिर अशफा फार्मेसी के जरिया से ये बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाने लगा। अभी फिलहाल हमारे कॉलेज में जो जोशादा आता है वो अशफा फार्मेसी के जरिया से, यही नुस्खा जो वो तरतीब कॉलेज का तरतीब दिया हुआ है वह अशफा फार्मेसी जो है वो तैयार करती है और बॉक्स में पैक करने के बाद भेजती है। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र में वेल नोन है, लोग दूर दूर से हमारे कॉलेज में आ आ करके ले जा रहे हैं, यहाँ से दूसरे स्टेट से लोग इसको बाई पोस्ट या मुख्तलिफ जराए से इसको मंगवा रहे हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क में खास तौर से सऊदीया और कुवैत और सूडान या अरब कंट्रीज में अशफा फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से अक्सर जगहों पर इसको भेजा जा रहा है कोविड 19 के मरीजों में या इससे तहफ्फुज़ के इस्तेमाल के लिए इसको आमतौर पर भेजा जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं और शेयर करके अपनी बात खत्म करूंगा कि मालेगांव में फर्स्ट वेव में चूंकि काफी बुरा हाल था, शरह मर्द और शरह मौत दोनों ही शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ तदाबीर के साथ साथ मंसूरा काढ़ा भी मालेगांव के लोगों ने काफी मिकदार में या कह लीजिए कि ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया। अब उस इस्तेमाल के बाद जो फर्स्ट वेव का दौरानिया है, लास्ट के दौरानिये में मालेगांव में लगता यह है, हो सकता है इसकी और भी वजूहत हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मंसूरा के काढ़ा इस्तेमाल करने की वजह से फर्स्ट वेव के जो लास्ट दौरानिये थे उसमें पेशेंट की तादाद बहुत ही कम हो गई, बहुत ही कम हो गई, यानी वो वेव खत्म होने से बहुत पहले मालेगांव में सारा काम धाम शुरू हो चुका था। सेकंड और थर्ड वेव में मालेगांव के अंदर कभी भी कोई लॉकडाउन नहीं लगा, सिवाय इसके कि स्कूल वगैरह बंद थे, लेकिन जो मार्केट है, बाजार है, वो पूरी तरह से खुला रहा, कभी उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र दूसरे स्टेट के लोगों को भी ये हैरत हुई कि मालेगांव में सेकंड और थर्ड वेव में मरीज क्यों नहीं है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हमारा कॉलेज आता है, या ये कह लीजिए कि महाराष्ट्र के जितने भी मेडिकल पैरा मेडिकल कॉलेजेस हैं सबके सब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की
अंडर में आते हैं। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने अपने 5 कॉलेज के कोलैबोरेशन से खुद ये जानने की कोशिश की कि मालेगांव में फर्स्ट वेव के अवाइल यानी शुरुआत के बाद से फर्स्ट वेव के लास्ट के दौरान में, फिर सेकंड वेव में, फिर थर्ड वेव में शरह मर्ज क्यों नहीं बढ़ी, या दूसरी जगहों पे जो शरह मर्ज है मॉर्बिडिटी रेट, वो मालेगांव में क्यों नहीं है, ये देखने के लिए उसने एक जो है सर्वे कंडक्ट किया, जिसका हिस्सा हम लोग बताते खुद हैं। सीरो सर्विलेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मालेगांव फॉर द असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ कोरोना या कोविड 19 डिजीज। तो अभी जो है जनवरी के महीने में तकरीबन 5 कॉलेज, जिसमें 2 नासिक के कॉलेज, खुद महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मालेगांव, धुलिया मेडिकल कॉलेज और धुलिया का एक पैरामेडिकल कॉलेज है, ये 5 लोगों की मुख्तलिफ टीमें, तकरीबन 24 टीमों ने सीरो सर्विलेंस का काम किया या ब्लड सैंपलिंग हासिल की, ताकि उनके अंदर मौजूद एंटीबॉडीज को देखा जा सके और उसके साथ जो है एक प्रोफार्मा जिसके जरिए से एसोसिएट किया जा सके कि यहाँ पर जो है शरह मर्ज कम है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों ही भरवाया गया लोगों से। अभी उसका एनालिसिस बाकी है क्योंकि उसका एक सेकंड सर्वे जो होना है अभी मार्च में होना है। तो कहना सिर्फ मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि मालेगांव में जो काढ़ा तैयार हुआ मंसूरा के जरिए से, मंसूरा काढ़ा के नाम से मशहूर हुआ, ठीक है, उसकी बहरहाल कुछ ना कुछ या इतनी एफिकेसी जरूर हुई कि उसने जो है खुद स्टेट के और बैरूने स्टेट के, इवन बैरून कंट्री के लोगों को मुतासिर किया और अपनी तरफ खींचा कि हमारे यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के लिए, मरीजों के लिए, दुनिया के लिए मुफीद साबित हो सकता है। यहीं पर मैं अपनी बात यह कह के ख़त्म करूँगा कि ये थी वो बातें जो इस मंसूरा काढ़ा और कोविड 19 के ताल्लुक से मुझे आपसे शेयर करनी थी। मुमकिन है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको लगें कि इसकी वजाहत ज़रूरी है, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, आप अगर कुछ सवाल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ तौजीह चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूं, आप बिला तकल्लुफ पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। इससे पहले कि मैं कंक्लूजन पे आऊं, ये हम लोग अभी क्वेश्चन के लिए ओपन है। डॉक्टर खालिद अख्तर साहब आपने रेज किया है, आप पहला क्वेश्चन आप पूछ लें। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने नुस्खा बताया है इसमें मंसूरा काढ़े के हवाले से, यही नुस्खा कमोबेश हर जगह इस्तेमाल किया गया है जी, लेकिन वहां पर इतना रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। वह हम लोग भी अपने मामूल में यही सब इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तो देखिए, एक तो ये हो सकती है कि जो नुस्खा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वही दूसरी जगहों पर इस्तेमाल हुआ, नुस्खा तो सेम है मगर दवाओं की क्वालिटी जी कि असलन वही दवाएं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हुई हैं, क्या वही दवाएं आपके यहाँ भी इस्तेमाल हुई हैं, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है जी, ठीक है। और दूसरी ये कि मालेगांव या महाराष्ट्र स्टेट वो स्टेट है जहां पर यूनानी दवाओं का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है जी, मोतबर की निगाह से देखी जाती है ये पैथी और इस पैथी से जुड़े हुए लोग, दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं है। ऐसा खालिद भाई मुमकिन है कि दवाओं के नुस्खे या दवाएं इसी नुस्खे से जो तरतीब दी गई हैं वो लोगों के यहाँ ले गई लेकिन इस्तेमाल ना की गई हों या प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं की गई हों, ठीक है, तो मुमकिन है कि उसकी वजह से एफिकेसी या उसके असर पर जो है कुछ ना कुछ फर्क आया हो, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया। और भी कोई सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं ऑडियंस तो पूछें। सर मैं यहाँ पीजी कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना से, मुझे कुछ समझना था सर। जी सर, आपने ये बताया कि इसके जो असबाब आपने बताया तो उसमें खारजी हरारत को भी आपने वो कहा है, तो इस मर्ज को खारजी हरारत से हम कैसे जोड़ सकते हैं कोविड 19 की अगर हम बात करें? कोविड 19 क्यों? कोविड 19 जब आप कहेंगे तो जाहिर सी बात है उसको हरारत से कैसे जोड़ेंगे आप? पहले तो आपको कोविड 19 को ये मानना पड़ेगा कि ये नज़ले हार है,
ठीक है, कोविड 19 का तस्वूर जो है यूनानी में नहीं है, बल्कि कोविड 19 को पहले आप ये तस्वूर करें कि ये नजला है, और वो भी नजला कौन सा, नजला हार है, तब आप जोड़ पाएंगे खारजी हरारत से। अच्छा, ये कोई मेरी बात नहीं है, ठीक है। देखिए, अमराज जो होते हैं या मर्ज जो होता है, खासतौर से नजले के ताल्लुक से ये किताबों में लिखा हुआ है, ये मेरे सामने मौजूद है, मेरे ख्याल में अगर आप देख सकें तो मैं लिख के बैठा हूँ, ठीक है, हैं? और लेके इसीलिए बैठा हूँ कि मुमकिन है भाई इस तरह के सवाल है कि लोग समझे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। मैं सफा नंबर भी बताऊंगा, आप देखिएगा उस पर, तो उस पर यह लिखा हुआ है कि नजला जो है वो अंदरूनी और बैरूनी, कभी तो अंदरूनी अंदरूनी असबाब की वजह से होता है, और कभी बैरूनी असबाब की वजह से होता है, और कभी इन दोनों के इश्तराक से होता है, यानी अंदरूनी सबब भी और बैरूनी सबब दोनों मिल करके इसको पैदा करते हैं। अच्छा, अब ये अंदरूनी और बैरूनी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, बारिद भी हो सकते हैं और हार भी हो सकते हैं, बारिद भी हो सकते हैं और हार भी हो सकते हैं। तो कोविड 19 मैं उस नजले को कह रहा हूं जो नजले वबाइया है, और नजले वबाइया हमेशा हार होता है, ठीक है, क्योंकि हरारत जो है वही जो है एक्यूटनेस ला सकती है, ठीक है। और किताब में देखिए लिखा भी है कि जब कभी भी नजला नजले हार हो और हाद हो, ठीक है, वही जो है रद्दी किस्म का नजला हो सकता है, और उसी के जरिया से जो है पेचीदा अमराज या आराज पैदा हो सकते हैं। तो कोविड 19 में जो शरह मौत हुई है मल्टी आर्गन फेलोर की वजह से, या किडनी फेलोर की वजह से, या इसी तरह से और मुमकिन है कुछ और चीजें भी बाद में निकल करके सामने आए, तो ये उसी नजला जिसको नजले हार हम कह रहे हैं उसी वजह से है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जिसमें हरारत होगी, मिजाजी हरारत ऑलरेडी मौजूद होगी या दिमागी हरारत ऑलरेडी मौजूद होगी, बस उसको जोश देने के लिए, या ये कह लीजिए कि उस मिजाजी हरारत में तीली लगाने के लिए, आग लगाने के लिए एक बैरूनी सबब की जरूरत थी, और यहां पर वो बैरूनी सबब मिल गया बादे समूम, यानी वो बादे समूम या वो हवा जिसके जौहर में तगैयुर था, जब उससे मुलाकी हुआ वो बदन जो हार था, तो जब दो हरारतें आपस में मिली तो दिमाग में जो फजलात थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए, उनमें सैलानी कैफियत पैदा हुई, और वो फिर नाक के रास्ते या फिर हलक के रास्ते मुख्तलिफ आज़ा पर गिरने लगे, नतीजे के तौर पर ये मर्ज पैदा हुआ। मेरे ख्याल में इतनी बातें जो है इस सवाल के जवाब में काफी होंगी। जी सर, सर ये बादे समूम को नजला का सबब किसने करार दिया, शेख ने करार दिया सर? एक मिनट, देखिए शेख के कौल के मुताबिक पढ़ रहा हूं, मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूं, शेख के कौल के मुताबिक इस मर्ज का सबब हरारत मिजाजी होती है या हरारत खारजी, मसलन धूप की गर्मी या बादे समूम या कुर्बे आतिश या गर्मी हम्माम या मुश्क या जुंदे बिस्तर या जाफरान या प्याज वगैरह जैसी गर्म चीजें खाना, ठीक है। ये कोट किया है आजम साहब ने, हकीम आजम साहब, अक्सीर आजम, रमूज आजम, ठीक है, इनको इंडिया का राजी और इब्न सीना तो कहा ही जा सकता है, ये एक मोतबर किताब है सर, बात को लिखा है, किताब देख रहे हैं, किताब दिखाई दे रही है मेरे मेरे उस पे, देखिए अक्सीर आजम, नहीं मैं अक्सीर आजम की बात नहीं कर रहा सर, अगर शेख ने लिखा है तो अपनी ओरिजिनल बुक पे लिखा, ये शेख के कॉल के मुताबिक सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद लिखता हूँ सर, हाँ हाँ सर, मैं ऐसा मैं ये अक्सर आजम हो या श्रेय आजम आपको बहुत कम मैं वो लिखता हूँ, ज्यादातर मैं जो है शेख की ओरिजिनल बुक देखा हूँ सर, अरबिक जी जी मैं वहां से देखा हूँ, अगर वहां से आप कोई और ऐसा कहें सर बड़ी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा मतलब इब्न सीना की कोई किताब, देखिए इब्न सीना की कोई किताब फिलहाल मैंने नहीं देखी है, ठीक है, अक्सीर आजम को मैंने पढ़ा है, और अक्सीर आजम के लिखने वाले जो हकीम आजम साहब हैं वो इब्न सीना और राजी से किसी तरह कम नहीं है हिंदुस्तान में। ना वो ओरिजिनल बुक है उनकी, वो ओरिजिनल बुक है, और दूसरे ये कि इस जमाने की तरह नहीं, वो पहले के हकीम है और ईमानदार हकीम है। अच्छा, मुमकिन ये है कि
कि आप तक जो इब्ने सीना की कौन सी किताब आप तक पहुंची सर, जिससे आप आपने पढ़ा हो और वहां पे आपको ना मिला हो? किताबुल कुल्लियात को देख रहा हूं सर। आवाज आपकी कट, फर्क मिल जाता है उर्दू की? नहीं नहीं, इब्ने सीना की बहुत सी किताबों में सर। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इब्ने सीना की कौन सी बुक का हवाला जैसे आप दे रहे हैं, मैंने उसमें देखा और उसमें नहीं मिला। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये किस में है, ताकि मैं देखूं उस चीज को सर, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये कहा ना कि मैं शेख के अभी मैंने पढ़ के सुना, शेख के कॉल के मुताबिक ये कोट किया है हकीम आदम खान साहब ने अपनी किताब अलकीर में, डॉक्टर सफा नंबर 210 पे। जी जी डॉक्टर रागिब, असल में उनका जो टॉपिक है साहिब साहब, वो है वबा के तालुक से, तो वो रेफरेंस ढूंढ रहे हैं आप, तो कोई बात नहीं है वो उनके। नहीं नहीं, कोई ऐसा देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके सवाल उनके रीच है, अरबिक टेक्स्ट तक वो रीच कर पाते हैं, माशाल्लाह अलीगढ़ से प्रतिभ है, फिर उन्होंने बीएमएस किया है, तो उस सिलसिले में चाह रहे हैं कि मैं तक भी पहुंच जाऊं इस बुक के हवाले से। नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल बुक तक तो मेरी रसाई खुद नहीं, क्योंकि उनकी कोई किताब मेरे हाथ अभी इस ताल्लुक से नहीं लग पाई, लेकिन अब मैं चूंकि ये सवाल आया है तो जरूर देखूंगा, क्योंकि मुझे असल में मौका नहीं मिला, वरना मैं ये जो जितने कोटेशन में देखता, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते का ये प्रोग्राम था एडवांस रिसर्च का, कल तक अभी था, कल जो है खत्म हुआ है, और वो 9 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक रहता था, तो नतीजे के तौर पर मेरी रिसाई वहां तक अभी फिलहाल नहीं हो पाई, लेकिन जो चीज है वो डॉक्टर साहब से कहें कि वो 210 पेज नंबर अक्सीर आजम या अक्सीर के नाम से जो है वहां पर उन्होंने शेख के कोटेशन है, समरकंदी के कोटेशन है, अलकंदी के कोटेशन है, और बाद अतिब्बा करके ऐसे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चीज है वो शेख के हवाले से उन्होंने लिखी है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात उन्होंने देखा होगा, वो अरबी और फारसी दोनों के जानने वाले थे, ये खालिद भाई ज्यादा बेहतर तौर पर बता पाएंगे, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ईमानदार लोग भी थे, तो उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा, हम कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें, अगर ये हवाला मुझ तक पहुंचा या मिला तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और भी कोई सवाल किन्हीं पार्टिसिपेंट्स को करना हो तो पहले वो कर ले। एक सवाल मेरा ये डॉक्टर साहिब साहब, एक खास के इंडियन एक्सप्रेस ने जब इसको रिपोर्ट किया था, इससे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स या फिर एनडीटीवी, जितनी भी मेनस्ट्रीम मीडिया थे इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन अगस्त में इसको इंडियन एक्सप्रेस ने इसको किया था 2020 में, द मालेगांव पैटर्न ऑफ कंटेनिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जैसा जिसका आपका जिक्र भी करा आपने, नहीं, सवाल में तन्वीर समझ नहीं पाया, मई 2020 के बाद, हेलो, एक बार एक रिपोर्ट करा था इंडियन एक्सप्रेस ने कि द मालेगांव पैटर्न ऑफ कंटेनिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि शुरू में ये देखा गया, क्योंकि कॉलेज में जहां तक समझ पाया आउटर पार्ट ऑफ सिटी है, ये सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ है, 2 किलोमीटर पहले ही है। जी जी, तो उन्होंने कहा था कि शहर और कॉलेज के दरमियान में एक नदी है, जी, नदी जैसे क्रॉस करेंगे शहर शुरू हो जाता है, तो उन्होंने ये कहा था कि इस कदम के बाद बहुत जल्दी से केसेस जो है रिड्यूस हुए थे, और फिर थोड़ा सा एक पीक पकड़ा था उसके बाद, तो ये फेनोमेनन में समझ पा रहा था कि बेसिकली उसमें हुआ क्या था। नहीं, ऐसा ऐसा मुमकिन है, देखिए आप तो चूंकि हिफ्जान सेहत से हैं या प्रिवेंटिव मेडिसिन से हैं, कि पहली फुर्सत में जैसे फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, ठीक है, अब घरों में कैद कर दिया गया तो आमतौर पर जो केसेस थे और जो ससेप्टेबल थे उसमें बड़ी हद तक जो है कंटैक्ट या एक्सपोजर बंद हो गया या कम हो गया, तो एक्सपोजर या कंटैक्ट जब कम हुआ तो डिजीज का एक तरह से ट्रांसमिशन जो है या ट्रांसमिशन ही रुकेगा, नतीजे के तौर पर उसके बाद तो केसेस कम हुए ही हुए, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही ये जो गवर्नमेंट का दबाव था वो जैसे खुला, लोग आपस में जब मिलना जुलना शुरू किए तो नतीजे के तौर पर फिर एक मरतबा बढ़ा, लेकिन उसके बाद से जब दोबारा मतलब बढ़ा, लेकिन उसके बाद से फिर बढ़ोतरी यहाँ पर देखने में नहीं आई,
उसकी दो वजह थी मेरी, मैं जहां तक समझाऊं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, अब वो तो अभी इतनी जल्दी एनालाइज होकर के सामने नहीं आ पाएंगी। दो वजह ये हो सकती है, पहली वजह तो ये हो सकती है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आमतौर पर चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल एक्सपोजर के नतीजे में किसी जिस्म में हो जाए, रिकवरी के बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, मालेगांव का जो तर्द मुआशरत है या रिहाइश है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट होकर के रह जाएं या रह पाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट वेव ही में एक तो ये है कि एक्सपोजर सारी कम्युनिटी को हो गया, और चूंकि ज्यादातर केसेस जो है इसके जो है नॉन क्लिनिकल या सब क्लिनिकल होते हैं, तो चाहे वो नॉन क्लिनिकल हो, सब क्लिनिकल हो या क्लिनिकल हो, रिकवरी के बाद इम्यूनिटी डेवलप होनी ही होनी है। ठीक है, एक तो ये वजह हो सकती है कि एक्सपोजर हुआ, सारे लोग एक्सपोज हो गए, नतीजे के तौर पर रिकवरी के बाद सारे लोग इम्यून हो गए इल्ला माशाल्लाह, तो उसकी वजह से फिर दोबारा नहीं हुआ। दूसरे हम ये कह सकते हैं कि हमारे काढ़े ने या इसी तरह दूसरे प्रिपरेशन जो आम तौर पर लोगों ने इस्तेमाल किया और भरपूर इस्तेमाल किए, तो इनका भी बहुत बड़ा असर रहा उस मर्ज को खत्म करने में। और चूंकि फिर ये लोग कंटिन्यूस हमने घरों में इस्तेमाल करते रहे, तो नतीजे के तौर पर इक्का दुक्का केसेस तो हुए, लेकिन फिर वो वबाई शक्ल यहाँ पर अख्तियार नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम इलाका है, वहां पर इस काढ़े की पहुंच या एक्सेस उन लोगों की उतनी नहीं थी, या ये कह लिए कि उन लोगों को शायद इतना यकीन नहीं था। तो सेकंड वेव में जो यहाँ पर लोगों में मॉर्टिलिटी देखने को आई, वो वही इलाके थे जहां पर या तो एक्सपोजर नहीं हुआ डिजीज का, और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर हमारा काढ़ा नहीं पहुंच पाया, शायद उसकी भी एक वजह किसी हद तक बनी हो कि उन लोगों में दोबारा से फिर ये मर्ज देखने को मिला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और पूछना था मुझे, हालांकि आपने जिक्र किया कि सीरो सर्वेलेंस एक चल रहा है और उसका उसकी जो दूसरा सर्वेलेंस का जो वो पूरा अभी नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी मंजर आम पर नहीं आया उसके लिए, तो क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ये हुआ है जिस तरह से इतने हजार लोगों को ये काढ़ा दिया गया, इस तरह से कोई डॉक्यूमेंटेशन हो पाया है उनके पोस्ट काढ़ा के इम्पैक्ट को? नहीं, ऐसा असल में देखिए ये उस जमाने में था, उस जमाने में हुआ था जिस जमाने में गवर्नमेंट की तरफ से कोविड 19 के इलाज के ताल्लुक से बेजा दवाओं के इस्तेमाल पर रोक थी। यहाँ पर गवर्नमेंट बड़ी सख्त थी कि कोविड 19 के इलाज के ताल्लुक से लूटने ना पाए लोगों को। ठीक है, तो उस जमाने में सिर्फ ये कि भाई अब बीमारी तो है, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है ये बीमारी ठीक कर देंगे, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एक दवा है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये कह करके इस्तेमाल किया गया उस जमाने में कि ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी। ठीक है, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी जिन लोगों में था, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था या जिन लोगों के जरिए से ये किया गया, उनके पास है, लेकिन चूंकि वो हमारे मिनहाज साहब थे, डॉक्टर मिनहाज साहब को जानते होंगे, नियम सेकंड बैच में थे, ठीक है, उन्हीं के जरिए से ये हुआ था, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, लेकिन आप जानते हैं कि इस फील्ड में जरा बातें आम होना थोड़ा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं, तो वो तो नहीं हो पाए। लेकिन ये जो दूसरी चल रही है कि मालेगांव के लोगों में मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कोविड के ताल्लुक से इतना कम क्यों है, ये खुद महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वीसी यहाँ पर आई थी, उस वीसी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुलिया को इन्वॉल्व करने के बाद स्टडी को डिजाइन किया, और फिर पांच छह कॉलेजों मिल करके उनकी मुख्तलिफ टीम ने रैंडम सैंपलिंग के जरिए से मुख्तलिफ इलाकों को चूज किया, फिर वहां से सैंपल कितने कलेक्ट करने हैं उसको आइडेंटिफाई किया, और इस तरह से तकरीबन 2800 लोगों का ब्लड सैंपल फर्स्ट राउंड में कलेक्ट किया गया, जिसमें से तकरीबन 170 के आसपास खुद हमारी टीम ने किया, जिसका मैं सरबराह था। लेकिन उसका सेकंड जो राउंड है वो, अब दो सीरो सैंपलिंग में क्या डिफरेंस आता है, इम्यूनिटी लेवल या जो एंटीबॉडीज हैं उसका लेवल क्या होता है, फिर वो कंक्लूजन क्या देते हैं, ये तो अभी बात की बात है, ये देखने की बात है। लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो काढ़ा हो या काढ़े के अलावा कोई दूसरी चीज हो, मालेगांव में ये बात हक है कि कोविड 19 के वो खतरनाक असरात जो दूसरे मुल्क और इलाकों में देखने को मिले हैं, वो मालेगांव में नहीं थे। जी,
मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक सबब और मुअस्सिर सबब जो है वो हमारा काढ़ा भी रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हालांकि जो सीरीज हमारा कोविड 19 पे, तो मैं कह सकता हूँ कि काफी यूनानी के ताल्लुक से बहुत मुअस्सर, ना कि सिर्फ काढ़ा के की बात, जो फहम है इसका हमारे पास नज़ला हार और वबाइया का, और खास के उसका कोरिलेशन कोविड 19 से, एक बहुत क्लियर बात जो निकल के आई। और मेरा एतमाद भी है इस बात पे कि सिवाय उसके सबब के बाकी चीजें तो थी हमारे पास, हालांकि हमारी मशीनरी इतनी तैयार नहीं थी जो इसको इस तरह से हम लोग कर सकें। और ये जो असेसमेंट था बहुत ही क्वालिटेटिव था, इस सेंस में कि किताबों से फिर हवाला जात के साथ और उन चीज़ों को बहुत बारीकी से आपने और सहल करके, आसान करके जो समझाया, तो बहुत आसान था अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेके कि हाँ ठीक है, जो कोविड 19 की मौतें हुई और उसका जो हैवॉक था, तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज आई है जिसमें बाद में असेसमेंट हुआ कि कुछ और किया गया, तो इसके पीछे बहुत सारा फाइनेंशियल गेन और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। इस था उस पे आपने बेहतरीन तरीके से इसका कोरिलेशन जो यूनानी से कोविड 19 और फिर उसूलन किस तरह से इस्तेमाल हुआ मंसूरा काढ़ा, मेरे हिसाब से बहुत काम है ये प्रेजेंटेशन रहा। और इंशाल्लाह इसको थोड़े से टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से कुछ चीजें बीच में हुई, लेकिन जो वीडियो इसका आएगा वो कम्प्लीट रहेगा, बाद तक लोगों को ये, चूंकि हम इसको कंजर्व कर रहे हैं तो फायदा पहुंचेगा। इस सिलसिले में कुछ और भी ऑडियंस से मैं कहूंगा कि प्रेजेंटेशन आने हैं, एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और आना है प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस साहब का, जो उस वक्त जब हुआ था इंडिया में अजमल खान का क्या रोल था, उसके छुपने वाले मजामीन में उनके क्या किरदार था उस हिसाब से भी, और दो और भी डॉक्टर फारूक साहब और मलिक साहब का आएगा। आज के लिए हमारे गेस्ट थे मोहम्मद साजिद साहब, उनका बहुत शुक्रिया आप सबका जो हालांकि दूसरा एंगेजमेंट है इनका, तो मैं जल्दी से माजरत चाहूंगा आपसे भी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिद साहब जुड़ने के लिए। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और अपने ऑडियंस का कि इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए तो भाई बहरहाल शुक्रिया का हक बनता है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और खास तौर से डॉक्टर तनवीर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मंसूरा काढ़े को या उसके ताल्लुक से कुछ बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर और सारे लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।